नमस्कार दोस्तों, विक्की की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है। देखिए, पूर्ति के नियम का अर्थ बताऊंगा, साथ में मैं आपको पूर्ति के नियम की मान्यताएं बताऊंगा और पूर्ति के नियम के अपवाद भी बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर दोस्तों अगर आप पूर्ति के नियम का अर्थ, पूर्ति के नियम की मान्यता और पूर्ति के नियम के अपवाद, इन तीनों बिंदुओं को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें। और दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगने पर इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप इससे पहले के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये पूर्ति का नियम क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्टों में भी ये बात समझाई थी कि पूर्ति फलन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु या सेवा की पूर्ति निर्धारक तत्वों पर, जिन भी कारकों पर निर्भर करती है, उन दोनों के बीच में जो भी संबंध पाया जाता है उसे पूर्ति फलन कहते हैं। जो निर्धारक तत्व होते हैं, जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक कीमत कारक होते हैं, जिसमें वस्तु की स्वयं की कीमत आ जाती है, और एक होते हैं गैर कीमत कारक, जिसमें फर्मों की संख्या आ जाती है, फर्मों का उद्देश्य आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, गैर कीमत कारक होते हैं दोस्तों ये। अगर हम बात करें पूर्ति के नियम की, तो दोस्तों पूर्ति का नियम पूरी तरीके से जो निर्भर करता है वो वस्तु की कीमत, यानी कीमत कारक, और वस्तु की पूर्ति, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। दोस्तों, गैर कीमत कारकों को हम स्थिर मान लेते हैं, परिवर्तन अपरिवर्तनशील मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पूर्ति के नियम से ज्ञात होता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यहाँ पे यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अन्य बातें समान रहने पर का मतलब है गैर कीमत कारकों में कोई परिवर्तन ना होना। और ये अक्सर पूछा भी जाता है दोस्तों, मैंने पिछले पार्ट में भी ये बात बताई थी, ऐसा पूछ लिया जाता है कि पूर्ति के नियम में अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ होता है, या फिर मांग के चैप्टर से भी पूछ लेते हैं कि मांग के नियम में अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब होता है। ये पूर्ति के नियम की या फिर मांग के नियम की पूर्व धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, जिसे हम पहले से मान लेते हैं कि भाई इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, पूर्ति के नियम से ज्ञात होता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, धनात्मक संबंध होता है। ये मैंने आपको बताया भी था कि देखिए, किसी भी वस्तु का प्राइस है और उसकी क्वांटिटी सप्लाइड है, यानी पूर्ति की गई मात्रा है, तो देखिए कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति की गई मात्रा बढ़ेगी, कीमत घटेगी पूर्ति की गई मात्रा भी घटेगी। और यहां पे एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, जो गैर कीमत कारक है, जो पूर्ति की मात्रा को प्रभावित करते हैं, उन्हें हमने क्या मान लिया है, अपरिवर्तनशील मान लिया, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो अब मैं इसे अपने शब्दों में अगर आपको बताऊं कि पूर्ति का नियम हमें बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति की मात्रा बढ़ जाती है, तथा कीमत घटने पर पूर्ति की मात्रा घट जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वस्तु की पूर्ति और उसकी कीमत के बीच में धनात्मक संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है, या फिर सीधा संबंध पाया जाता है। धनात्मक बोलूं, प्रत्यक्ष बोलूं, या फिर सीधा संबंध बोलूं, मतलब क्या है कि अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी दोस्तों। यानी जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगा उसी डायरेक्शन में दोस्तों क्वांटिटी सप्लाइड भी जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब यहां पे एक तालिका दे रखी है जिससे ये साबित हो जाती है बात कि एक वस्तु की पूर्ति, एक यहां पे तालिका भी दे रखे, पहले तालिका को समझते हैं फिर हम इसके डायग्राम को भी समझेंगे, पूरी कंप्लीट बात करेंगे। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूर्ति के नियम की व्याख्या तालिका 3 की सहायता से की जा सकती है। तालिका 3, पूर्ति का नियम, एक वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध है, जो कि हमें दिखा रहा है। देखो 10 में कितनी 100 इकाइयां बेच रहा है,
जैसे 11 रुपए कीमत हुई, कीमत बढ़ी 1 रुपया, मात्रा बढ़ गई 200 हो गई, फिर 1 रुपया बढ़ा तो मात्रा क्या होगी, घट गई। आप ये देख रहे हो कि जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है पूर्ति की गई मात्रा बढ़ रही है, और जैसे जैसे कीमत घट रही है अगर 10 से 11, 11 से 20 तो आप देख रहे हो पूर्ति भी घट रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, पूर्ति की तालिका यानी पूर्ति के नियम को इस तालिका से आप समझ सकते हैं कि आप यहां पे देख रहे हैं कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो उसकी पूर्ति की गई मात्रा बढ़ रही है, और अगर एक वस्तु की कीमत घट रही है तो उसकी पूर्ति की गई मात्रा भी घट रही है। दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात करती है हम पूर्ति के वक्र की। अब देखिए पूर्ति का वक्र, देखिए पी पर क्यू क्वांटिटी बिक्री थी, जैसे ही प्राइस पी वन हुआ, ओपी से ओपी वन हुआ, जो पूर्ति की गई मात्रा ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गई यानी वृद्धि हो गई। और ऐसी अगर देखिए अगर कीमत घटेगी तो नेचुरल सी बात है, ये अगर ये पी टू होता है और ये क्यू टू होता है तो आप देख रहे हो कि कीमत के घटने का पूर्ति की मात्रा पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है और कीमत के घटने बढ़ने का पूर्ति की मात्रा पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है, जो कि हमें पूर्ति के नियम से ये बात समझ में आ गई है मेरे दोस्तों। तो पूर्ति का नियम आपको पता लग गई, पूर्ति का नियम दो बातों पर निर्भर करता है, एक वस्तु की स्वयं की कीमत, दूसरा वस्तु की पूर्ति, और जो अन्य कीमत कारक होते हैं यानी गैर कीमत कारक होते हैं उनको ये अपरिवर्तनशील मान लेता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि पूर्ति के नियम की मान्यताएं क्या होती हैं, मान्यताएं बोलूं, पूर्व धारणाएं बोलूं, या बहुत सारी वर्ड है आप इंग्लिश में याद रखें, एग्जेम्पशंस यानी पूर्व धारणाएं दोस्तों, क्योंकि ये ना बदल सकता है, बट ये इंग्लिश का जो टर्म है ना ये नहीं बदलेगा। तो हिंदी मीडियम वालों को मेरी सभी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इंग्लिश के टर्म्स को जरूर याद रखा करें, बाकी पूरा आप याद रखें या ना रखें, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये मान्यता है क्या है, तो इंग्लिश का वर्ड कभी भी चेंज नहीं होता है। अब दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि एक वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले दो प्रकार के कारक होते हैं, एक कीमत कारक जिसमें वस्तु की स्वयं की कीमत आती है, और दूसरा होता है गैर कीमत कारक जिसमें फर्मों का उद्देश्य, फर्मों की संख्या, सरकारी नीति, व्यवसायिक व्यापारिक आकांक्षाएं, ये सारे जो भी मैंने पिछले पाठ में 8 बिंदु पढ़ाए हैं, उन सब में वस्तु की कीमत को छोड़कर, वस्तु की स्वयं की कीमत को छोड़कर बाकी सब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इसे ही हम कहते हैं दोस्तों पूर्ति के नियम की मान्यताएं। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, उत्पादन के कारकों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता, फर्मों के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं होता, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता, व्यावसायिक आकांक्षाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु की कीमत और उत्पादन से संबंधित सरकारी नीति, वस्तु की कीमत तथा उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, मोटे तौर पर पूर्ति के नियम की यह मान्यता है कि पूर्ति की कीमत के अतिरिक्त वस्तु को प्रभावित करने वाले कारकों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो कि दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पूर्ति के नियम के अपवाद, पूर्ति के नियम के अपवाद की, ये अपवाद क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये वर्ड जानिए ये अपवाद होता क्या है। दोस्तों जैसे कि भारत में दो पहिया वाहन में 3 लोगों का बैठना वर्जित माना जाता है, यानी वो नियम का उल्लंघन माना जाता है। जैसे भारत की विधायिका ने ये नियम बनाया कि कोई भी दो पहिया वाहन में 3 लोग नहीं बैठ सकते और बिना हेलमेट के यात्रा नहीं कर सकते हैं, बट हमारे देश में 3 क्या दोस्तों 5-5 बैठ के घूमते हैं और हेलमेट तो वैसे ही नहीं पहनते हैं, सिर्फ दिल्ली में तो फिर भी बहुत पहनते हैं, बट यूपी हरियाणा यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं। तो देखिए जो भी नियम बनाया गया अगर उस नियम को आप तोड़ रहे हो तो वो उस नियम का क्या कहलाएगा, अपवाद कहलाएगा, एक्सेप्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंग्लिश टर्म, ये टर्म याद रखें आप। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, पूर्ति का नियम के अपवाद। देखिए पूर्ति का नियम हमें क्या बताता है कि कीमत बढ़ेगी पूर्ति बढ़ेगी, कीमत घटेगी पूर्ति घटेगी, है ना, यही बताता है। बट दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि कीमत बढ़ने की वजह से भी पूर्ति घट जाती है, कीमत घटने की वजह से भी पूर्ति घटी रहती है, बढ़ जाती है, यानी पूर्ति के नियम को तोड़ देना ही पूर्ति के नियम का अपवाद कहलाता है। पहला है दोस्तों प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित वस्तुएं। दोस्तों जैसा कि आप अभी जानते हैं लेटेस्ट न्यूज चल रही है कि प्याज आलू के रेट बहुत बढ़े हुए हैं,
आप जैसा कि आप जानते हैं कि आलू प्याज का रेट अगर अभी बढ़ा है तो इसका मतलब यह है कीमत बढ़ने के कारण जो आलू प्याज यानी जो भी सब्जी वाले हैं उनको उसकी सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए। पर दोस्तों कैसे बढ़ा देंगे, पीछे से फसल ही नहीं है, पैदा हुई है, फसल हुई तो वो खराब हो गई, क्योंकि भारत सरकार तो सोई रहती है बेटा, किसानों की तो कोई फिक्र ही नहीं करता है ना, जो कि बहुत ही बुरी बात है। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक हमारे देश का किसान दुखी होगा ना तो भारत देश में कोई भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि दोस्तों जो हमें अन्नदाता है हमारा वो ही आज की डेट में परेशान है। तो मैं ये सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों के लिए कुछ सोचा जाए और आप भी इस बात को माने। तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ये बता रहा हूं कि जितने भी प्राकृतिक तत्वों पर आधारित कृषि उत्पादित होते हैं, देखो कृषि, अब देखिए आप जानते हो कि अनाज दालें गेहूं चावल ये सभी कृषि का पार्ट है, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है, ये मानव निर्मित भी है, इसमें दोनों का मिक्सअप है। तो आप ये समझ सकते हो जितने भी कृषि उत्पादित है जो कृषि पर निर्भर करते हैं उनकी कीमतें बढ़ने के कारण भी उनकी पूर्ति कम रह जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से ये पूर्ति के नियम का अपवाद है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और दूसरी बात दोस्तों, कुछ सामाजिक प्रतिष्ठा की वस्तुओं की अधिक कीमत मिलने पर भी उनकी सीमित मात्रा में ही पूर्ति की जाती है। जैसे दोस्तों बहुत सारे एंटिक पीस होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे अमीर लोग होते हैं अपने घरों में बताते हैं कि ये मैं फ्रांस से लाया हूँ, ये मैं दुबई से मंगवाया है, ये मैंने अमेरिका से मंगाया है, ये मैंने ब्रिटेन से मंगाया है, यानी जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं जैसे BMW कार, ऑडी कार है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी बड़े बड़े स्टैचू आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घरों में शेरों की खाल को ऐसे दीवार पे सजा रखते हैं, वो सब एंटिक होते हैं, एंटिक पीस होते हैं दोस्तों। अब इनकी कीमत ज्यादा होने की वजह से भी इनकी पूर्ति ज्यादा नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में बहुत सीमित मात्रा में है दोस्तों, प्रकृति में बहुत ज्यादा सीमित मात्रा में, इसलिए उत्पादक उसकी ज्यादा सप्लाई नहीं करा सकते दोस्तों। ये बात भी आपको समझ में आई होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नाशवान वस्तुएं। अब ये नाशवान वस्तुएं भी पूर्ति के नियम का एक बहुत बड़ा अपवाद है मेरे दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि कीमत बढ़ने पर पूर्ति बढ़नी चाहिए, कीमत घटने पर पूर्ति घटनी चाहिए सामान्य स्थिति में। बट दोस्तों मान लीजिए आप एक सब्जी बेचने वाले हो और अभी बज रहे हैं 8, 9 बज रहे हैं मान लीजिए, और आपको पता है कि 10 बजे तक सब्जी मंडी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, और 10 बजे तक सब्जी मंडी बंद हो जाती है तो आपके पास है टमाटर, आप बेचते हो उस सब्जी मंडी में टमाटर, तो टमाटर तो अगले दिन खराब हो जाएंगे। अभी आप 8 बजे तक तो बेच रहे थे 40 रुपए किलो टमाटर, बट आपने देखा यार अब एक घंटा रह गया मार्केट बंद होने में, और अगर मैंने ये बेचा नहीं तो ये कल तक तो खराब हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, अपनी कीमत को कम किया, आपने 40 रुपए के बदले में 25 रुपए किलो टमाटर बेचा, और ज्यादा बेचा, सारा टमाटर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अगले दिन वो खराब हो जाएगा, आपको 10 पैसे ही नहीं मिलेंगे फिर उसके। तो नेचुरल सी बात है जो नाशवान वस्तुएं होती हैं वो पूर्ति के नियम का अपवाद है, क्योंकि इनकी पूर्ति कम कीमत में भी ज्यादा की जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ति का नियम क्या होता है उसे तालिका और रेखाचित्र और पूर्ति के नियम की मान्यताएं और अपवाद, ये सारी चीजें समझाने में मैं अगर सफल रहा हूं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके ये संदेश आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पूर्ति वक्र पर संचलन तथा पूर्ति वक्र पर खिसकाव पर भी वीडियो बनाऊं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बनी रहती है विद्यार्थियों के लिए कि कब, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, पर दोस्तों मैं आपको 10 मिनट में ऐसा समझा दूंगा इसको कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पहुंचाएं जिन्हें इनकी जरूरत हो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।